देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देखिए मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने जरा ब्रेक पे जाने से पहले तस्करा किया था कि इस वक्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मरी रोड पे हवाले से इस वक्त क्या इत्तला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 तारीख को मरी रोड के ऊपर एक एहतजाजी धरना या एहतजाजी जलसा करने जा रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क्यादत ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन ये बात अब तक तय हो चुकी है कि मरी रोड के ऊपर ये तमाम तर महफिल सजाई जाएगी और उसके ऊपर खान साहब आएंगे, तकरीरें होंगी, जलसा होगा और काफी कुछ कहा जाएगा। 26 तारीख की एक सिंबॉलिक अहमियत भी है क्योंकि 25 तारीख तक हुकूमत ने जो आम फैसले करने, जो अब तक हुकूमत करने से कासिर है, वो हुकूमत कर चुकी होगी और 26 तारीख खान साहब उस हवाले से काफी कुछ कह सकते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें इस्लामाबाद से सीनियर साहबी जनाब काजी समी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताएं शहर इक्तदार का मौसम कैसा है और क्या कुछ वहां पे हो रहा है, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? शहर इक्तदार का मौसम तो इंतहाई सर्द है, सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म है। यानी सर्द और गर्म जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सियासी एतबार से बहुत ज्यादा गर्म है और जो है वैसे जो मौसम है नेचुरल जो है जी तो कह सकते। क्या खबरें क्या है इस्लामाबाद से, क्या कुछ आज तवक्को की जा रही है कि कुछ अहम फैसले जो होने थे वो फैसले होते हुए दिखाई देंगे अब? हाँ बिल्कुल, अब वक्त आ गया है और ये जो 3 से 4 दिन है हमारे पास ये बड़े सर आखिरी के 3 से 4 दिन है, वक्त गुजर जाएगा इसके बाद। बिल्कुल आखिरी, मैं यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आखिरी के 3 से 4 दिन जो रहे हैं इसमें बड़े अहम फैसले होने हैं और खासतौर पर जो आर्मी चीफ की तकर्री है इस हवाले से भी बड़ा अहम फैसला होना है। तो अब ये देखना है कि वो कौन होता है क्या होता है, ये एक अलग बहस होगी, लेकिन इसके बाद ग्यारह सियासी इस्तेकाम भी जो है वो भी बहुत जरूरी है और फिर मामला जो है वो फिर सियासी सतह पर ही देखे और खेले जाएंगे। जब आपने कहा सियासी इस्तेकाम, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जब ये फैसला हो जाएगा तो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, लेकिन क्या अगर इस फैसले के बाद भी सियासी इस्तेकाम ना आया तो सर फिर ये कौम कहां खड़ी है, क्योंकि इस वक्त तो कौम का तमाम तर किबला तमाम तर डायरेक्शन इसी तरफ है कि ये फैसला हो और उसके बाद मामला हल होते दिखाई दे, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। देखिए ये जादू की छड़ी वाला खेल तो है नहीं कि यहाँ तकरी और वहां सियासी इस्तेकाम आ गया। सर छड़ी वाला खेल तो है ना सर, घड़ी वाला खेल है, छड़ी रही तो घड़ी सही, लेकिन अब ये है कि घड़ी और छड़ी की सियासत में जो है आपने देखा कि जो मुल्क जो है सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा, तो अब ये है कि कम अज कम इतना होगा कि मुल्क में यकीनी गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसको किसी हद तक खत्म करने का जो है मदद मिलेगी। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम इसी तरह बदस्तूर जारी रहा तो फिर हमें जो है बहुत से मामलों का सामना करना पड़ सकता है। IMF की अगली किस्त हमारे सामने आ रही है, चीनी का बहरान हमारे सर पर खड़ा है और बारिशों की वजह से जो अगर गन्ने की फसल बर वक्त नहीं कटी तो फिर हमारे जो है किसानों के वक्त भी खान साहब से मुलाकात की है और मेरे ख्याल से इस वक्त आपकी एग्रीकल्चर के हवाले से कोई भी मजबूत खबर नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है और बिल्कुल एक तो सैलाब हमें ले डूबा है और दूसरा जो हमारी मौजूदा और सबका और उसकी सबका हुकूमतों की जो पॉलिसियां रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, तो हम तो किसी जमाने में एक एग्रीकल्चर मुल्क हुआ करते थे, आज भी हमारी कोई 60-65% आबादी जो है शरारत एक बात कर सकता हूँ जी जी सर, ये बता दें कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसमें भी किसी नैब में या कोई किसी और इदारे के कवानीन में तरमीम करके इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदों ने तो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया लेकिन मुल्क की इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रही। देखिए इस तरह करप्शन तो एक बहुत बड़ा इशू है ना आपके यहाँ और करप्शन होती भी है, इससे भी इंकार नहीं है, हुकूमती सतह पर भी होती है, लेकिन 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं होती पाकिस्तान में। वो ये देखिए इसी तरह के हमने पैमाने सेट करने हैं, इसी तरह के पैमाने और स्केल हमने सेट करने हैं कि हम करप्शन को किस तरह रोक सकते हैं और किस लेवल की करप्शन को करप्शन माना जाएगा। देखिए करप्शन तो करप्शन होती है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई 1 रुपए की करप्शन भी करता है तो वो भी उस तक वो भी काबिले तादीर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो अगर उस वक्त तक अगर हम करप्शन को कंट्रोल नहीं करते तो ना मुआशी पॉलिसियां हमारी हम बनाते हैं। असल में मेहमान साहब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ थिंक टैंक नहीं है और दूसरा जितनी भी सियासी जमाते हैं वो इक्तदार में आने के लिए तो पूरा होमवर्क करती है लेकिन इक्तदार में आकर उसे
करना क्या है और हुकूमत चलानी कैसी है, इस हवाले से होमवर्क नहीं करती है, ये हमारा सबसे बड़ा आलमिया है। साहब ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जरा मौजूद की तरफ आ जाते हैं, मुझे ये बताएं कि जिस फैसले के ऊपर बात कही जा रही थी कि हुकूमत ये फैसला कर लेगी, कल राणा सनावल साहब का एक बयान आया कि अगर तो समरी नहीं आती या ताखीर से आती है, समरी गालिबन हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं आती, तब भी फैसला जो है वजीर आजम हाउस से होना है, वजीर आजम का इख्तियार है कि वो जो चाहे फैसला करें, वो किसी समरी के गालिबन किसी मोहताज नहीं है। सर ये जो इस तरह के स्टेटमेंट इस वक्त हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं, 14 या 13 जमातों के ऊपर ये बनाई हुई हुकूमत, इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए वो मेरे ख्याल से सूट करता है हुकूमत को? देखिये जहां तक राणा सनावला का ये जो बयान आप बता रहे हैं, ये गालिबन किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था। और दूसरी बात ये है कि आईने पाकिस्तान में ये आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो खालिस्तर इस्तेकाक है वजीर आजम का, बिल्कुल सही। और वजीर आजम ये हमारे यहाँ जो समरी मांगी जाती है कि भाई GHQ जो है वो अपने नाम भेजे, 5 नाम 6 नाम जो भी आप, ये एक रस्म है, यानी कि इसका आईनी तकाजा नहीं है, ये एक रस्म है, एक रिवायत है जो चली आ रही है, ठीक है ना, बाद रिवायत और आयन जो है। तो लिहाजा अगर उस सूरत में नहीं भी आती है, मिसाल समरी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है, तो आर्मी चीफ जो है वो कौन से खिताब करते हुए भी या वैसे भी किसी को भी आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत कोई ऐसा शख्स जो शायद इस वक्त क्राइटेरिया पे फॉल ना करता हो, हुकूमत उसको ओवरनाइट कोई उसके ओहदे में इजाफा करके उसको कोई ओहदा देके फिर उसका नाम इस तमाम तर फहरिस्त में शामिल करवा सकती है। देखिए माजी में इस तरह की प्रैक्टिस सही है कि आप किसी मुशर्रफ साहब के दौर में रहा, कियानी साहब के हवाले से काम किया गया, बिल्कुल है, काकर साहब भी शायद इसी तरह से, जनरल शुजा पाशा के हवाले से, साहब के हवाले से भी गालिबन इस तरह की इत्तला थी कि उनको भी ओवरनाइट या उनको बहुत कम अरसे में उनकी उनके रैंक्स में इजाफा किया गया, तो ये हो सकता है। वो अगर आपको देखा जाए ना, हमारी पूरी सियासत, अगर मैं एक जुमले में एक कुजे में इसको बंद करूं, इस वक्त हमारी पूरी सियासत जो है वो नाइट वॉचमैन पे चल रही है। नाइट वॉचमैन जो टेस्ट में खिलाड़ी होता है कि अगर आखिरी लम्हों में कोई टीम का किसी कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो बड़े बैट्समैन को भेजने के बजाय छोटे बैट्समैन को भेजती है, ताकि अगर आखिरी लम्हे में ये भी चला जाए तो हमारा बड़ा बैट्समैन जो है सुबह नया दिन होगा, नए ताजा। लेकिन मसला ये ना काजी साहब, नए दिन पे वो फास्ट बॉलर भी खड़ा है 26 तारीख को, वो भी फास्ट बॉलर 26 तारीख को मरी रोड पे पहुंचेगा, उसने भी अपनी तेज रफ्तार गेंद करनी है, हुकूमत को ये भी तो कच्चा है ना सर, ऐसा ना सुबह होते ही पहली विकेट उड़ जाए हुकूमत के लिए। नहीं ये भी पॉसिबल होता है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत देखिए, हुकूमत जब भी किसी की भी होती है, इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त की या मौजूदा हुकूमत जो भी, हुकूमत को अपोजिशन के मुकाबले में बड़े एडवांटेज होते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तकर्री जो है अपने वक्त पर होनी है जी, तो वो होकर रहेगी, चाहे समरी आती है नहीं आती है, अव्वल तो आएगी, जाहिर आ चुकी है, प्रोसेस भी हो चुका है इस मामले में, तो कल भी कहा गया समरी मौसूल होगी, फिर कहा गया नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है उससे कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट की, वो इसी तरह होती है ना हमारे यहाँ, इस तरह के मामला को जो है वो कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है, कोई कुछ कह रहा होता है कोई कुछ कह रहा होता है, लेकिन इस हवाले से जाहिर है वजीर दिफा अगर जो कहेंगे वो ही सही माना जाएगा। सही, तो काजी साहब ये बताएं, अब मैं ये तस्लीम कर रहा हूं या ये हम सब ये बात समझते हैं कि 25 तारीख तक ये जो तमाम तर फैसला ही हो जाना है, और खान साहब ने 26 तारीख की तारीख जो सिलेक्ट की है ये बड़ी सिंबॉलिक है, क्योंकि 26 तारीख को खान साहब रावलपिंडी से होते हुए मरी रोड के ऊपर ये तमाम तर एक्टिविटी करते हुए दिखाई देंगे, और खान साहब जब काफी दिनों बाद फिर से कंटेनर पे फिर से स्टेज पे नजर आएंगे, तो यकीन तौर पर उनके जो चाहने वाले हैं या जो खान साहब के सपोर्टर्स वोटर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो निकलेंगे और खान साहब को देखने के लिए एक बार फिर से आ सकते हैं। सर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये 26 तारीख का जो ये एहतजाज है क्या ये धरना है, क्योंकि अब तक जो इतलात है खेमा बस्तियां भी बनाई जा रही हैं और मरी रोड के ऊपर तमाम तरह एक्टिविटी की जा रही है, उससे यकीन तौर पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के ऊपर भी मामला आएंगे, हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है? देखिए एक तो ये है कि मैं जो समझता हूँ, जो मैं मौजूदा हवाल का जो मैं तजिया कर रहा हूँ, एक तो ये है कि ये धरना तो किसी सूरत नहीं होगा, ये जलसा ही होगा, मौसम भी इजाजत देता है धरने की, मुझे भी बता दीजिएगा। जलसा ये है कि अब एक दिन रहता है या दो दिन रहता है या तीन दिन रहता है, जलसा तवील हो सकता है लेकिन धरना नहीं, लेकिन दो दिन तीन दिन से ज्यादा का नहीं होगा, अगर हुआ तो एक दिन का होगा, नहीं तो दो दिन तीन दिन बाद, इससे ज्यादा नहीं होगा,
और लिहाजा अब सवाल ये है कि सर, लेकिन अगर खेमा बस्तियां बनाई जा रही हैं, जो कि मैं आज असद उमर साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि बड़े सारे खेमे लगाए जाएंगे, खेमा बस्तियां कायम की जाएंगी, तो ये तो तासुर दे रहा कि शायद ऑपोजिशन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आ रही है और रावलपिंडी में उनको किसी भी तौर पर रिसोर्सेज की भी कोई इश्यूज नहीं होंगे, तो हुकूमत को तो मुश्किल दे सकती है ऑपोजिशन। देखिए इस तरह की चीजें होती है, प्रेशर प्रैक्टिस होती है, इसी तरह के बयान और राणा सनावला के भी सुनते हैं कि वो आए तो सही, मैं उन्हें बताऊंगा। बिल्कुल सही, तो ये प्रेशर प्रैक्टिस है, खैमा बस्ती का ऐलान भी प्रेशर प्रैक्टिस है, यानी उसका पॉलिटिकल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है ताकि वो प्रेशर जो है उसको मुखालिफ दिया जाए। अब होने क्या जा रहा है कज़ब, बड़ा अहम मसला है, तैनाती भी हो जाएगी, तकरीर भी हो जाएगी, खान साहब को अगर शूट की या ना की व्हाटएवर उसके ऊपर ही बात होगी, और यकीन तौर पे फिर जलसों में इस तरह की बातें होंगी, तो ये भी एक और नए क्या उसके तरफ बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। देखिए जी, आपकी सियासत जो भी खान साहब खेल रहे हैं या उसके जवाब में जो हुकूमत के पार्टियां जो हुकूमती पार्टियां खेल रही है, ये सारी अपनी तरफ तकर हो रही, तो एक रूटीन का मामला था जिसको बिला वजह जो है इतना गंभीर बनाया गया और उस पर इशू बनाने की कोशिश की गई। असल मामला ये है कि आपकी कौमी मुआशत जो है वो तबाह हो चुकी है, आप डिफॉल्ट होने के करीब है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अब मामला ये है कि ये तो तय है कि जब तक आपको ये डिफॉल्ट होने का खतरा आपके सर से नहीं जाएगा उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये मैं 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ। और कैसा मैं चाहूंगा लास्ट कमेंट जरूर दें, जो इतलात आ रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कि मियां साहब हम सब जानते हैं कि वो अलील थे, वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, तो उनको डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान का सफर ना करें क्योंकि एक मुश्किल सफर है, लेकिन अब जब ये इतलात आ रही है कि वो 5 यूरोपियन ममालिक के दौरे पे जा रहे हैं और फिर वो भी एक तवील सफर होगा, तो क्या फिर वो मियां साहब की सेहत इस बार इजाजत दे देगी कि मियां साहब इतना तवील दौरा करें और एक ऐसे अहम मौके पे जब सियासी मामलात उरूज पर होते हैं, मियां साहब अपना लंदन का भी जो एक कैंप है उसको भी छोड़ के दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो जाए। देखिए ये भी एक सियासत है कि आपने आज पैगाम दे दिया है कि मैं अब अलील नहीं रहा, अब मैं चलने फिरने के भी काबिल हूँ, मैं सफर करने के भी काबिल हूँ। ये भी पाकिस्तानी सियासत को एक पैगाम है नवाज शरीफ साहब का कि जनाब अब मैं आ रहा हूं या मैं आ सकता हूं, अब मुझे बीमारी भी नहीं रोक पा रही और ना ही पाकिस्तान के कवानीन जो उन पर कदरन लगाते थे ना आने के हवाले से, तो वो ये एक मेरा वो इनका मैसेज था कि अब मैं दुनिया भर में जा रहा हूं, मैं अपनी अलील यानी अलील ना होने का ऐलान कर रहे कि मैं सेहतियाब हो चुका हूं, अब मैं किसी भी वक्त पर जो है वो इसका मतलब ये समझा जाए कि मियां साहब के पास जब वो ये इस दौरे को मुकम्मल कर लेंगे तो ये जवाब मौजूद नहीं रहेगा कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते बीमारी के बाइस, ये जवाब बिल्कुल ये आपका नुकता वैलिड है और इसी नुकते पे जो है अब अगली सियासत है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मकबूलियत का एक खला पैदा हो गया, मकबूलियत क्योंकि समझ रहे कि अगर मियां साहब इस दौरे के बाद पाकिस्तान नहीं आएंगे तो खुद उनकी जमात से भी सवाल उठेंगे और उनके सपोर्टर्स उनके वोटर्स भी जो बड़ी तादाद में है वो भी सवाल करेंगे कि आप अगर यूरोप के दौरे पे जा सकते हैं, छुट्टियां गुजार सकते हैं, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, ये तो सवाल होगा। फिर ये सवाल अब होने की गुंजाइश नहीं है ना, ये अगर वाशिर अभी बाहर निकले हैं तो यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं, अपने निजी दौरे पर जा रहे हैं, ये तो वाज़े पैगाम है पाकिस्तानी सियासत को कि भाई अब मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ। ठीक ठीक हो गया कैसे आपका मौका पा गया, लेकिन तो आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि एक जानब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की सतह पे एक बड़ी तब्दीली एक बड़ी तकरीरी होने जा रही है, खान साहब एज फार वेल जैसे कि कैसे ने कहा कि एक नाइट वॉचमैन हुकूमत किरदार इस वक्त अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि अपनी मेन विकेट को सेव कर ले, लेकिन मसला ये है कि अगली सुबह जैसे 25 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाते हैं और गालिबन ये अनाउंसमेंट हो जानी है इंशाल्लाह, तो 26 तारीख की ये जो सुबह होगी इससे पहले ही तमाम तर तैयारियां होंगी और खान साहब अपने फुल रिदम में होंगे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खान साहब एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर की तरह आएंगे और रावलपिंडी में एक धुआंधार तकरीर होगी, खिताब होगा और फिर ना जाने ये धरना होगा, एहतजाज होगा और कितने दिन तवील होगा, इस हवाले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो होगा पाकिस्तान की सियासत में आने वाले 5 से 8 दिन यकीन तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये कहा जा सकता है कि वो अपनी मकबूलियत को एक बार फिर से रिगेन करने के लिए, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को एक बार फिर से इंटैक्ट करने के लिए जब ये यूरोप का दौरा करेंगे तो उनके पास इखलाकी तौर पर यह जवाब मौजूद नहीं रहेगा कि वो अपनी बीमारी के बाइस पाकिस्तान ना आ सकें, क्योंकि अभी तक जो स्टेटस है मियां साहब अपनी बीमारी की वजह से लंदन में मुकीम है और उनको महज लंदन जाने की इजाजत दी गई थी ताकि वो अपना इलाज करा सकें, क्या ये पाकिस्तान में जो अदालती अहकाम हैं
उसकी भी खिलाफ वर्जी है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।